सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे ऐप यूज करते हैं और दोस्तों अगर आप अपने फ़ोनपे में अपने किसी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट सेट करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने फ़ोनपे में प्राइमरी अकाउंट सेट करेंगे, और दोस्तों प्राइमरी अकाउंट क्या होता है और कैसे इसको सेट करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि प्राइमरी अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी अकाउंट क्या होता है। दोस्तों अगर आपने मान लीजिए फ़ोनपे में दो बैंक अकाउंट ऐड किया है और दोस्तों आपने जिस भी बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट सेट करेंगे, आपके अकाउंट पे अगर कोई फ़ोनपे में अगर कोई पैसा भेजता है तो आपका वो पैसा आपके प्राइमरी अकाउंट पर जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप किसी अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं तो पहले उसको प्राइमरी अकाउंट में सेट करना होता है, इसके बाद ही आप उस अकाउंट पे पैसा मंगा सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोनपे में कैसे आप अपने अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट सेट करेंगे, चलिए मैं आपको सेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल फोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ से आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कोने में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन शो करता है, तो सिंपली आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2-3 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक वाले अकाउंट में दिया है कि प्राइमरी अकाउंट, लेकिन दोस्तों बाकी के दो अकाउंट में प्राइमरी अकाउंट नहीं दिया हुआ है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट सेट करना चाहता हूँ तो कैसे सेट करूँगा, चलिए मैं आपको सेट करके दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से अपने फ़ोनपे में किसी भी बैंक अकाउंट को यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट सेट कर पाएंगे। यहाँ से आपको जिस भी बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट सेट करना है आपको उस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन शो करता है कि सेट एज प्राइमरी, तो यहाँ पे आपको एक गोले का ऑप्शन शो करता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, तो यहाँ से आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ग्रीन का टिक लग जाएगा और दोस्तों ये आपका प्राइमरी अकाउंट सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले स्टेट बैंक था लेकिन यहाँ पे अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो मेरा यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट सेट हो गया है। अब दोस्तों अगर मेरे फ़ोनपे पे कोई पैसा भेजेगा तो यहाँ पे मेरे स्टेट बैंक में ना जाके यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सारा पैसा आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोनपे में किसी भी बैंक अकाउंट को प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोनपे से या किसी भी टेक्निकल ऐप से या किसी भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।